हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की हुई है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, वो सारा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पुराने वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में इन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, प्लस हम इसके प्रूफ भी करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा कैसे मैं इनको प्रूफ कर बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है पढ़ने का, पहले वो जान लीजिए। अब हम डेफिनेट इंटेग्रल्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको पहले इनडेफिनेट इंटेग्रल्स सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 to 1 हो और एक्स स्क्वायर dx हमें सॉल्व करना हो, तो ये डेफिनेट इंटेग्रल है। हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वो आ जाती है x³/3, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं, दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुछ डेफिनेट इंटेग्रल्स ऐसे होते हैं जिनको सीधी तरह से इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है, तो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उनके जल्दी इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द पर्पस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। और यहाँ हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पर, और हम बारी बारी से 1-1 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे साथ में, और फिर उसका समझेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है, ओके। तो सबसे पहले है हमारी P0 प्रॉपर्टी, दैट इज़ इंटेग्रल a to b f(x) dx कैन बी रिटन एज a to b f(t) dt। अब हमें यहाँ पर पता है कि डेफिनेट इंटेग्रल जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे इस तरह से भी लिख दीजिए a to b f(z) dz, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हमने जो इन लिमिट्स पुट कर देनी होती है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल कोई भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 0 to 1 t² dt की इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, सो t³/3 आ जाएगी। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऊपर वाले का भी आंसर ही सेम आएगा, नीचे वाले का आंसर भी सेम आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो समटाइम्स इस वेरिएबल को हम यहाँ पर डमी वेरिएबल भी बोलते हैं, ओके। अब हम इसको करते हैं प्रूफ। प्रूव करने से पहले एक चीज़ याद करते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, पढ़ा था हमने। उसमें क्या सीखा था कि f अगर कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, और f उसका डेरिवेटिव आता है, एंटी डेरिवेटिव आता है, तो क्या होता है f(x) a to b, तो क्या लिखते हैं इसको हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि f(b) माइनस f(a) लिखते हैं। अब इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। सो व्हाट इज़ माय p0 प्रॉपर्टी। p0 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन a to b f(dx) dx इक्वल्स टू a to b f(t) dt, ओके। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें, सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करें, सो दिस विल बी f(b) माइनस f(a), यही आएगा। अगर हम अब इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो वो भी क्या आएगा, f(b) माइनस f(a). लेट अस से इसका f जो है वो एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। f(b) माइनस f(a), तो ये दोनों देखो देखो बराबर आ रहे हैं, सो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूव हो गई, राइट। अब मैं चलती हूँ अपनी p1 प्रॉपर्टी पे। p1 प्रॉपर्टी में अब आपको यहीं पर लिखकर बता देती हूँ, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल्स टू माइनस b to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक्सचेंज करनी है तो बाहर हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो इन फैक्ट जो ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है वो क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। यानी कि जब लिमिट सेम है तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये इन पर्टिकुलर लिखा है मैंने और ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको लिमिट्स चेंज करनी है तो बाहर आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ उसका एंटी डेरिवेटिव है, कैपिटल एफ जो है, लिमिट्स मैंने पुट कर दी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब अगर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँ तो वॉट इज़ दिस, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए चाहिए, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। सो दिस विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बन गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये मैंने पी वन प्रॉपर्टी अपनी प्रूव कर दी, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट सी द थर्ड प्रॉपर्टी। सो पी वन हो गई हमारी। पी टू क्या कहती है, ए टू बी f of x dx equals to, इसको हम कभी कभी ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन हो यहाँ पर तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेट अस से जैसे हमारे पास यहाँ पर सीधा है 2 से लेकर 8 तक f of x dx, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 टू 5 f of x dx प्लस 5 टू 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक कर कर भी लिख सकती हूँ। लेट अस से ये ए है, ये हमारे पास बी है और बीच में मैंने एक ले लिया सी। सो ए टू सी ब्रेक कर दिया, फिर सी टू बी कर दिया, ठीक है ना, तो ए की बात होती है। अब हम इसे करते हैं प्रूफ। सो मैं पी टू को प्रूफ करने जा रही हूँ। सो पी टू को पहले मैं लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, सी यहाँ लिख लो, इंटरवल्स आपको, मतलब ये आपको लिमिट्स अपने आप याद हो जाएंगी, ए टू सी, सी टू बी, ठीक है। तो अब इसे हम प्रूफ करते हैं। सो इसका प्रूफ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट, बाई सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, है ना। सो अब हम इसका राइट हैंड सॉल्व करने जा रहे हैं। सो राइट हैंड साइड में अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँ, सो इट विल बी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, है ना, प्लस अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ सी देखो कैंसिल हो गया, सो एफ ऑफ बी को आगे लिख लेते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने कर ली पी ज़ीरो, पी वन, पी टू। अब आ जाते हैं पी थ्री पे। तो पी थ्री प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ, ये क्या लिखा है मैंने, लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है और जो भी वेरिएबल हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी माइनस एक्स भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे करेंगे प्रूफ। सो पी थ्री प्रॉपर्टी को मैं करने जा रही हूँ प्रूफ। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो भी आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पर ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसको कोई और वेरिएबल पुट करूँगी, लेट अस से मैंने यहाँ पर t पुट कर दिया। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर a प्लस बी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गई, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस वन इक्वल्स टू आ गया डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। सो माइनस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डी टी, ठीक है, इसको संभाल के रखेंगे। अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होती हैं, तो वो हम लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो x और t लिखेंगे,
अब यहाँ पर x की वैल्यू जब a है और x की वैल्यू जब b है तो क्या होगी t की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहाँ पर लिख रही हूँ। तो x की वैल्यू जब a है तो t की वैल्यू क्या होगी, सो व्हाट इज़ t, t बेसिकली है a प्लस b माइनस x, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर a है तो b बचेगा, सो t की वैल्यू b हो जाएगी, अगर b है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो हमारी जो न्यू लिमिट्स हैं वो क्या आ रही हैं हमारे पास, b टू a आ रही हैं, ओके। f ऑफ x को हमने क्या सपोज किया था, अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं, x को इधर ले जाते हैं और t को इधर ले आते हैं, तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हो तो वो क्या आ जाएगी, a प्लस b माइनस t आ जाएगी। सो a प्लस b माइनस t हो गया, और डी एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूँगी यहाँ पर, माइनस ऑफ डी टी। सिंपल, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक लगाते आ रहे हैं वैसे ही लगाया है, ओके। यहाँ पर हो गया, अब माइनस जो है वो मैं बाहर ले लेती हूँ, बी टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी साथ में, ओके। अब यहाँ से अगर हमें ये लिमिट्स ऊपर नीचे करनी हो, चेंज करनी हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी अभी हमने रिसेंटली पढ़ी, हमने अपनी पी वन प्रॉपर्टी में पढ़ा। पी वन प्रॉपर्टी क्या कहती है, पी वन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर मुझे लिमिट्स ऊपर नीचे करनी है, यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा सकती हूँ, और अगर मुझे माइनस हटाना है तो मैं लिमिट्स उल्टी कर सकती हूँ। मैंने ये माइनस हटाना है तो मैं क्या कर देती हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऊपर नीचे कर देती हूँ, यानी कि नीचे मैंने ए कर दिया, ऊपर मैंने बी कर दिया। सो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, हमने पी वन प्रॉपर्टी यूज़ करी है, फ्रॉम पी वन, या पूरी प्रॉपर्टी आप लिख कर बता सकते हैं, ओके। अब हमने पी ज़ीरो प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, पी ज़ीरो प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वेरिएबल आप कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर टी की जगह पर मैं एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी नंबर पी ज़ीरो को यूज़ कर लिया। सो ये तो मेरा बन गया अपना राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गई आपकी पी थ्री प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं अब अपनी पी फोर प्रॉपर्टी पे। ये जो पी फोर प्रॉपर्टी है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ पी थ्री। तो बेसिकली हम पी थ्री में क्या कर रहे थे, हम अपनी लोअर इन अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस क्या कर रहे थे, अपना वेरिएबल, यही कर रहे थे। ए प्लस बी माइनस एक्स इसको लिख सकते थे, इसको भी ऐसे ही है, ज़ीरो टू ए, ज़ीरो हमारी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हमारी ए है, माइनस वेरिएबल यानी कि ए माइनस एक्स, क्योंकि ज़ीरो प्लस ए तो ए ही होगा, तो a माइनस एक्स इसको हम लिख सकते हैं। तो p4 जो है, दिस इज ओनली अ पर्टिकुलर केस ऑफ p3, ओके। अब हम इसको कर देते हैं प्रूफ। सो p4 प्रॉपर्टी कहती है कि 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a कैन बी रिटन एज f ऑफ a माइनस x dx, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो हम यहाँ पर a माइनस एक्स को t पुट करेंगे, जैसे हमने पीछे a प्लस बी माइनस एक्स को करा था, यहाँ पर a माइनस एक्स को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस वन आ जाएगी, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डी टी। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, x और t, x की वैल्यू जब 0 है और x की वैल्यू जब a है, तो t की वैल्यू क्या होगी, t किसके बराबर है, a माइनस एक्स के, सो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और दूसरी बार a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारी जो न्यू लिमिट्स आ गई वो आ गई a टू 0 आ गई। f ऑफ x, x की जगह पर अब हम x को क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a माइनस टी, सो a माइनस टी डी टी माइनस का, है ना, डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी डाल दिया। अब हम अपने लिमिट्स को उल्टा करना चाहते हैं, उससे पहले हम माइनस को बाहर ले आते हैं, a टू 0, ठीक है, f ऑफ a माइनस टी डी टी। सो हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर p1 को यूज़ करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो लिमिट्स एक्सचेंज करने के लिए हमें माइनस हटाना है, तो 0 टू a हो जाएगा, f ऑफ a माइनस टी डी टी हो जाएगा,
और फिर हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर P0 यूज़ करेंगे कि ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सो मैं T की जगह पर X डाल रही हूँ, सो ये मेरा बन गया राइट हैंड साइड। तो अब चलते हैं हम अपनी P5 प्रॉपर्टी पे। तो P5 प्रॉपर्टी हमारे 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। एक बार तो देखो 0 to a 0 to a दो में हमें ब्रेक कर दिया, एक बार तो सिंपल लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो था हमारे पास, और ये दूसरी बार लिखा हमने जो अपर लिमिट है उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दिया, यानी कि 2a माइनस एक्स को। इसका करते हैं प्रूफ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। सो P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास P5 प्रॉपर्टी। इसको अब हम करते हैं प्रूफ। तो हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, फिलहाल के लिए अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें हम ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं कि अगर हमारे पास a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसको लिख सकते हैं a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, हमारे पास है 0 से लेके 2a तक, यही है हमारे पास, बीच में मैं एक ब्रेक पॉइंट ले लेती हूँ a, ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स बन जाएंगी 0 to a a to 2a, समझ गए। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिखना है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेके 2a तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी नंबर P2 को यूज़ किया है, समझ गए इतनी बात। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो हमारा ये वाला पोर्शन तो इस वाले पोर्शन से मैच कर रहा है, तो आधी तो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो मैच कर गया। सारा फोकस हमने कहाँ करना है, यहाँ करना है इसको, ये चीज़ लाने के लिए, समझ गए बात। अब हमारा जो सारा फोकस है वो किस पे है, a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स पे है, हमें उसको इसके में इसमें प्रूव करके लाना है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो हमारा यहाँ पर a से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, 2a माइनस एक्स को हम पुट करते हैं यहाँ पर t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, इसकी डिफरेंशिएशन करी, माइनस वन आएगी dt अपॉन dx, यानी कि dx जो हो गया दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ dt, ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, x और t, लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, लोअर लिमिट क्या है आपकी a है, t किसके बराबर लिया है हमने 2a माइनस x, 2a माइनस a कितना हो गया, a हो गया। अब x की वैल्यू जब हमारे पास 2a आएगी, x की वैल्यू जब 2a आएगी तो हमारे पास 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, तो हमारी जो लिमिट्स बन गई हैं वो हैं हमारे पास a से लेके 0 तक, यहाँ तक ओके है। f ऑफ x की जगह पर क्या डाल सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, x की वैल्यू डाल सकते हैं 2a माइनस t, तो 2a माइनस t डाल दिया माइनस ऑफ dt, मैं dx की जगह माइनस dt डाल दिया। अब माइनस को ले जाओ बाहर, माइनस को ले लिया बाहर, लिमिट्स है हमारे पास a से लेके 0 तक 2a माइनस t dt, ठीक है। अब सेम वही मेथड जो हम पिछली 3-4 प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर चुके हैं, माइनस हटाना हो तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, 0 to a हो गया एफ ऑफ 2a माइनस t dt हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी, मैंने P1 प्रॉपर्टी यूज़ करी, ठीक है ना। अब अगर मुझे वेरिएबल चेंज करना हो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 0 यूज़ करूँगी, सो 2a माइनस x dx हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 0, ठीक है, P0, ओके। तो मैंने इसको, ये वाला जो पोर्शन था इसको इसमें प्रूव कर दिया, तो हैंस फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड।
तो अब चलते हैं हम अपनी P6 प्रॉपर्टी पे। तो P6 प्रॉपर्टी कहती है कि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है अगर हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे अपनी P5 प्रॉपर्टी का। तो इसलिए अगर P5 प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी एक बार दोबारा जाकर देखिए, क्योंकि P5 और P6 जो हैं वो भी इंटरलिंक्ड हैं। ओके, अब इसको हम प्रूव करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो P6 प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, P6 प्रॉपर्टी कहती है कि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये दो टू टाइम्स हो जाता है इफ एंड ओनली इफ अगर 2a माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फंक्शन बन जाता है दोबारा से। ठीक है, दूसरा पार्ट इस प्रॉपर्टी का ये कहता है कि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो होता है अगर हमारे पास ये जो है दिस इज़ नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ गए, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आई, पहले प्रॉपर्टी में लिखा कैसे हुआ था, अब हम इसको करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे तो इसको पार्ट नंबर 1 ले लो और इसको पार्ट नंबर 2 ले लो। तो मैं पहले पार्ट का प्रूफ करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करूँगी, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और मैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ करूँगी, अब यूजिंग P5। P5 प्रॉपर्टी में 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे ही लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब मैंने अगर बोल दिया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ, मुझे ये बात पता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है, तो इसकी जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये दो टाइम्स हो गया ना, तो ये देखो 2 times 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। तो हमने P5 प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपनी P6 प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में भी हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 को ही यूज़ करेंगे। तो ये मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अपनी P5 प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही हूँ। अब अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पुट कर देती हूँ 0 टू 2a एफ ऑफ माइनस माइनस बार आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो इट मीन्स, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो ट्वाइस हो जाता है 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के अगर ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और वो 0 के बराबर होता है अगर वो माइनस ऑफ एफ ऑक्स के बराबर होता है। ठीक है, सो हैंस प्रूफ्ड। सो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ P7 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिमिट्स हैं -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर f कोई इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स भी डाल दें तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि वापस हमें वही फंक्शन मिल जाए। सो लेट यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ cos x है। ठीक है, अब x की जगह पर अगर आप माइनस एक्स भी डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बनेगा cos ऑफ माइनस x, और cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा, यानी कि वापस हमें फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर x की जगह पर माइनस एक्स डालने पे उसे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एक इवन फंक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल cos x जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कह रही है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर f को इवन फंक्शन है
तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो ट्वाइस हो जाता है ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो पहले इसकी पहले पार्ट को ही हम प्रूव कर लेते हैं। तो पी सेवन को पहला पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इसका ट्वाइस बन जाता है। और अगर f जो है वो एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर x की जगह पर हमने माइनस एक्स भी डाला तो वापस हमें फंक्शन ही मिलेगा, राइट। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर पी टू को यूज़ करेंगे। पी टू प्रॉपर्टी ब्रेक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो क्या कहती है, ए टू बी अगर हमारे पास है तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस ए और ए, देखो माइनस ए और ए, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। सो हमने इसको ब्रेक कर दिया, माइनस ए टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिखा, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर पी टू। तो देख सकते हो ना आप कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप, माइनस ए टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली फोकस हमें किस पे करना है, इस पे करना है। ये तो ऑलरेडी ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें और इसके जैसा ही ले आएँ तो ये ट्वाइस बन जाएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली फोकस यहाँ पे करना है। सो मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ जिस पे हमें फोकस करना है, तो माइनस ए टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या लगाएंगे कि हम टी को क्या पुट करेंगे, सॉरी माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स को जब हम टी पुट करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, माइनस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। सो ये आ गया डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। अब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, एक्स और टी। एक्स की वैल्यू अगर माइनस ए है तो टी किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी हो जाएगा ए के बराबर, ठीक है। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ये देखो ये होती है ना लिमिट्स आपकी माइनस ए और 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 ही रहेगी। सो हमारी की न्यू लिमिट्स जो आ गई वो आ गई a से लेके 0 तक। सो यहाँ पर आ गया f ऑफ x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस t और साथ में माइनस ऑफ dt, है ना। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास a टू 0 f ऑफ माइनस टी डी टी, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। माइनस को हटाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी नंबर पी वन का इस्तेमाल करूँगी मैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर कर दी लिमिट्स, ऊपर नीचे कर दी, 0 टू a हो गया f ऑफ माइनस टी, और यहाँ पर डी टी हो गया। और कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है मैंने, पी वन प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। देन हम 0 टू a f ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स, और ये हमने प्रॉपर्टी नंबर P0 को यूज़ किया है वेरिएबल चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं वापस से पुट कर रही हूँ। सो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैंने ब्रेक डाउन किया था माइनस ए टू ज़ीरो, तो ये क्या बन गया है, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये क्या है, f यहाँ पर क्या है, एक इवन फंक्शन है, है ना। मैंने पहले बताया था कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम x की जगह पे माइनस x डालें तो वो वापस f ऑफ x ही हो जाता है। सो इट विल बी f ऑफ x dx, ठीक है, प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। तो देखो दोनों बराबर बन गए, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक होगी बात क्लियर, ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी पी सेवन की। अब आ जाओ वापस सेकेंड पे।
अगर यहाँ पर वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर उसके माइनस डालने पे वो माइनस बाहर आ जाए एफ ऑफ एक्स, लेट फॉर एग्जांपल हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट अस से साइन एक्स है, अब अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस वो खाता नहीं है, माइनस को बाहर निकाल कर फेंक देता है। सो बेसिकली ये क्या है, माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया हमारा, तो ये क्या है, एक ऑड फंक्शन की एग्जांपल है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे प्रूव करेंगे, तो पूरा नहीं प्रूव करना है दोबारा से, हम यहीं इसी के रिज़ल्ट को यहाँ तक बिल्कुल सेम है तो इसको यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हमने इसको लिख लिया माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक सेम प्रोसीजर है, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मैंने अब क्या डाली थी, पहले एफ ऑफ एक्स डाली थी क्योंकि एफ क्या था, इवन फंक्शन था। अब मैं यहाँ लिखूँगी कि एफ मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर f ऑड फंक्शन है तो क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देती हूँ, माइनस हो जाएगा ये 0 टू a f ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ एक्स डी एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0 के इक्वल। तो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर f कोई इवन फंक्शन है तो हमारा ट्वाइस हो जाएगा, और अगर f कोई ऑड फंक्शन है तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।